नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस बड़े हम बात करेंगे आरती ड्रग्स के शेयर के बारे में, क्योंकि इसमें फिर से एक जान वापस आ रहा है। तो इसमें क्या लेवल्स और टारगेट है, क्या आपको करना है आगे, आपको कौन सा स्ट्रेटजी इसमें अपनाना चाहिए, क्या आपको अभी इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं, तो सर हम हायर लेवल पर फंस गए हैं तो क्या करें। तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं इसके चार्ट पर। तो जो इसका टेक्निकल चार्ट है उसकी भी बात करेंगे, और जो इसके फंडामेंटल्स है उसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर बात किया था जैसे ये शेयर क्रैश हुआ था यहाँ पर 1000 के प्राइस से, तो देख सकते हैं आप ये स्टॉक्स नीचे आया था 616 रुपीज़ तक ये स्टॉक आया था। वहाँ पर हमने बोला था अगर यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है ठीक है, नहीं तो फिर ये 500 तक जा सकता है। तो पहले से हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि पहला जो सपोर्ट होगा वो 720 रुपीज़ या 700 इसके बीच के रेंज में, और दूसरा सपोर्ट होगा 500। लेकिन ये इसी के बीच में सपोर्ट लिया, तो ओवरऑल के तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रेडिक्शन किए थे कि इस बीच में ये सपोर्ट लेगा, और वैसा ही हुआ। ये 600 के प्राइस के आसपास ये सपोर्ट लिया, और वहां से देख सकते हैं फिर से इसमें थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। तो यहां पर जो रिकवरी है इसका हमें वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई है। अभी जो निफ्टी हमारा वो 13,500 के आसपास है, जो कि ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। तो वहां पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे वेट करते हैं तो अगर वहां पर मतलब गिरावट आती है निफ्टी में, कोई बड़ा करेक्शन आता है, तो बड़े करेक्शन पे हमें ये स्टॉक नीचे के प्राइस पर मिल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई किसी ने 600 के आसपास के प्राइस पर इसमें बनाया था पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, तो वो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस आप जस्ट इसके नीचे लगा लें, मतलब 750 पर स्टॉप लॉस लगा करके वेट कर सकते हैं कि अगर गिरावट आता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे, अगर ऊपर देता है तो स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है इसका। अभी हमें इस लेवल्स पर वेट करना है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जाता है तो इसमें तेज़ी से गिरावट होता है इस स्टॉक में, और यहाँ पर नीचे जो है 700 और 600 के आसपास ये लगातार सपोर्ट बना रहा है। तो इसमें एक बड़ा रैली तब देखने आपको मिलेगा जब ये फिर से 1000 के प्राइस को मतलब क्रॉस करता है और सस्टेन करता है। यहाँ पर से 1000 के प्राइस को क्रॉस करे और सस्टेन करे तब हमें एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने मिलेगा। तो ये इस बात का आपको लगातार वेट करना है कि 1000 के प्राइस को ये क्रॉस करे और फिर वहाँ पर सस्टेन करे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये 50 डे का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है। तो जैसे 50 डे का मूविंग एवरेज और 200 डे का जो मूविंग एवरेज है, ये हमारा ये नीचे जो है 200 डे का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे आ जाता है तो हमें बाय करना होता है। लेकिन अभी ये हमारा 200 डे के जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है EMA है उसको क्रॉस नहीं किया था, तो इसलिए हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढे थे। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी है, जब 200 डे के मूविंग एवरेज को नीचे आ जाएगा तब हम इसमें बाय करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और जैसे ये 200 डे 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है या किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वहाँ से फिर से मतलब क्रैश होता है, मतलब वहाँ से फिर गिरावट आती है, तो वहाँ पर हम सेल करेंगे। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है हम लोगों का, तो जिसको हम काफ़ी अच्छे से चार्ट पे डिस्कस करते हैं, तो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम इसके फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेवल्स में आपने देख लिया कि इसमें वेट करना है, मार्केट हमारा ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी जो है हमारा बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट हो रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और हम लोग रिटेल इन्वेस्टर जो है वो देखते हैं मार्केट में काफ़ी तेजी है तो अभी एंट्री कर रहे हैं। अभी हमें एंट्री का बिल्कुल भी समय नहीं है। अभी आपके पास अगर कोई स्टॉक आपने लिया था उसमें प्रॉफिट बुक करने का समय है, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा मतलब यहाँ से करेक्शन आता है तो आपको सस्ते प्राइस पर फिर से स्टॉक मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आरती ड्रग्स के फंडामेंटल्स का। तो फंडामेंटल्स पर जैसे जाते हैं तो आप इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन को देखते हैं, कंपनी का जो कॉर्पोरेट एक्शन है, फाइनेंशियल है, जो मतलब कंपनी का सेल्स है, प्रॉफिट है, उन सारी चीज़ों को आप कंपेयर कर सकते हैं। फिर कंपनी में आप डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अच्छे प्राइस पर मिल रही, प्राइस जो है आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसके नीचे हो या इंट्रेंसिक वैल्यू पर हो तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आरती ड्रग्स के हम कई बार बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर
भारतीय ड्रग्स का 52 वीक रेंज देखिएगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 105 इसका लोवेस्ट प्राइस है। ये हमारा बोनस शेयर देने के बाद है, बोनस शेयर के बाद प्राइस एडजस्ट हुआ तो ये इसका 315 था लोवेस्ट 52 वीक लो, तो ये हो गया 105 के, क्योंकि 1:3 का बोनस दिया तो उसके बाद प्राइस एडजस्ट हो गया और 1026 रुपीज़ इसका देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई है, तो जो कि बोनस देने के बाद एडजस्ट हुआ है प्राइस। तो यहाँ पर फिर कंपनी के वैल्यूएशन पर देखते हैं, कंपनी का वैल्यूएशन ये नया चार्ट है, मनी कंट्रोल वेबसाइट है हमारा जिस पे हम ये सारे चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर नया चार्ट में देखते हैं और जो इसका मार्केट कैप है अभी 7300 है, तो एक मिड कैप कंपनी है और कंपनी के सारी चीज़ को आप देखते हैं यहाँ पर फेस वैल्यू 10 है, कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0.25 है, तो जो कि आप काफ़ी अच्छा है। अगर आपने बोनस शेयर से पहले लिया है तो आपके पास काफ़ी अच्छे शेयर्स होंगे अब, क्योंकि आपका नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई हो गया, तो इन्वेस्टर के लिए यही बेनिफिट होता है कि लॉन्ग टर्म में इससे नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आप अच्छे प्राइस पर बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। फिर यहाँ पर कंपनी कॉर्पोरेट टैक्सन पे आप आएंगे तो कंपनी का डिविडेंड देख सकते हैं, कंपनी 2020 में 2 बार डिविडेंड दिया, 19, 18, 17 सब हर बार डिविडेंड दिया है। बोनस पे जाते हैं तो कंपनी 2020 में बोनस दिया 3:1 का, देख सकते हैं 3:1 का मतलब एक शेयर पर 3 शेयर आपको फ्री मिला, तो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बातें हैं, मतलब आपका एक शेयर के बदले हो गया आपका 4 शेयर, क्योंकि 3 शेयर आपको फ्री मिला तो एक शेयर के बदले हो गया 4 शेयर, तो इसी रेशियो में प्राइस भी एडजस्ट हो गया, तो प्राइस पे एडजस्ट हो चुका है इसी रेशियो में। फिर यहाँ पर आप देखते हैं 2015 में 1:1 का बोनस दिया था, 1996 में दिया था, मतलब इधर फिर से 2015 में मिला आपको 2020 में मिला। फिर स्प्लिट पर देखेंगे कोई भी स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, फेस वैल्यू 10 है तो स्टॉक भी स्प्लिट होगा, उसका भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा और काफ़ी अच्छे ग्रुप की कंपनी है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो जो नया तरीके से बैलेंस शीट आया है मनी कंट्रोल जब अपडेट हुआ है वेबसाइट, तो देखते हैं यहाँ पर आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि जो कंपनी का ओवरव्यू है ये रेवेन्यू है, तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है देख सकते हैं। यह जो आप बार ग्राफ है, बार ग्राफ में यह देखते हैं कि मार्च 2020 में रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, उसके बाद हर क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। यहाँ से आप एनुअली भी देख सकते हैं, अगर एनुअली के हैं तो रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर जैसे कभी भी रेवेन्यू किसी भी साल डिक्रीज नहीं हुआ है, तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर आपको अब देखने यहाँ पर मिल सकता है, मतलब अच्छे तरीक़े से आप जो है अगर आप मैथमेटिक्स का नॉलेज रखते हैं, मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स का अच्छे से आप यहाँ पर कंपेयर करते हैं, सिर्फ देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि नेट प्रॉफिट कंपनी का हमेशा जंप किया है, देखते हैं हर साल जंप किया है, थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेट रहा था लेकिन 2020 में काफ़ी जंप हुआ है। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं, अब आप अर्निंग पर शेयर मतलब पर शेयर अर्निंग जो है कब इंक्रीज हुआ कब डिक्रीज हुआ है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग कंपनी का पहले थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था लेकिन 2020 में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है लगातार डिक्रीज हुआ है, मतलब कंपनी का जो डेट है वो लगातार डिक्रीज हुआ है, 2020 में कंपनी का डेट काफ़ी कम हो चुका है, तो मतलब कंपनी के पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल के तुलना में जो डेट है कंपनी का काफ़ी डिक्रीज हुआ है, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन है जिससे हम कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मतलब कंपनी के सारी चीज़ों का कंपेरिजन यहाँ पर कर सकते हैं, सेल्स प्रॉफिट रिटर्न ऑन इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कंपनी के बैलेंस शीट को भी देख सकते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट पर आपको ले चलते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखना है, डेट इक्विटी शेयर कैपिटल जो कंपनी का कांस्टेंट है लेकिन डेट हमेशा डिक्रीज हुआ है जो कि आपने ग्राफ में देखा था, रिजर्व सरप्लस कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, तो सारी चीज़ें आप इस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखते हैं और अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। साथ साथ आपको हमने बताया कि जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पर आप चार्ट देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। माइंटी इंटरेस्ट देख सकते हैं जीरो है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी का लगातार देख सकते हैं डिक्रीज हुआ है जो कि हम डेट के रूप में कंपनी का कंसिडर करते हैं। इसी तरह से आप बैंक और कैश और कैश इक्विवेलेंट देखना चाहते हैं तो 7 करोड़ है। तो ये सारी चीज़ों को कंपेरिज करने के बाद कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं और साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, फिर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।